गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट, आप सभी का स्वागत दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों देखें, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी को अवेलेबल कराया जाता है। दोस्तों डेली लर्निंग ऐप पे क्लासेस होती हैं, मेरी क्लासेस 3 to 5 होती हैं। आप मुझे सर्च कर सकते हैं मयंक कुमार डीवीडी के नाम से, राइट है ना। तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं दोस्तों मेरा परिचय। मैं आप सभी के साथ ज्ञानवर्ड अकेडमी का डायरेक्टर, 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, हिमालयन पब्लिकेशन का चीफ एडिटर, 12 से अधिक किताबें, और दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी _ मयंक द्विवेदी, और मैं आप सभी का एजुकेटर मयंक द्विवेदी आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों आप सभी भी अपने क्रम में जुड़ें, देश के जाने माने टॉप एजुकेटर आप सभी के साथ इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे एक साथ होते हैं दोस्तों, जहां आपको कराते हैं बेहतरीन तैयारी। तो दोस्तों इससे जुड़ने का एक के तीन माध्यम है, जहां आप सभी, पहला माध्यम प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं, जहां 45,500 रुपीज़ आप फीस दे करके आप 12 महीने में आप सोचें कि ये फीस आप कम कर सकते हैं, 44,550 दे सकते हैं। साथ ही साथ आप देखें 24 महीने में आप इसे कर सकते हैं कितना, 10% डिस्काउंट के साथ 72,000 जो फीस है वो कम हो जाएगी आपकी, और फीस हो जाएगी 64,800 रुपये। तो वहीं दोस्तों आप देखेंगे 36 महीने की फीस जो 90,000 है वो घट करके कितनी हो जाती है दोस्तों, 81,000 रुपये हो जाती है। तो आप देखें मंथली 2,250 रुपये के रेंटल चार्ज पे भी आप सभी दे सकते हैं, इस पूरे एडमिशन में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों मेरा प्रोमो कोड है मयंक1, तो आप सभी यहाँ जुड़ जाइए दोस्तों, आगे बढ़िए मेरे साथ में। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म एक शानदार प्लेटफॉर्म दोस्तों, एक सूचना है कि आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे फीस हाइक होने जा रही है, बढ़ाई जाने वाली है। तो दोस्तों पहले ही आप सभी, लास्ट दिसंबर चल रहा है, आप सभी के लिए ऑफर है दोस्तों, कम्बो प्लान का ऑफर भी है, जहाँ पे आप सभी देखेंगे कि जब आप जीएस और ऑप्शनल की फ़ीस जो आप सभी अभी तक अलग अलग दे रहे थे, आपको फीस देना था 24,550 रुपये प्लस 44,550 रुपये दोस्तों 750 रुपये कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो 77,000 नियर अबाउट आपको देना पड़ता है था। तो अभी 70,000 रुपये में ही आप सभी का एडमिशन हो जाएगा दोस्तों, और इस पर भी 10% का डिस्काउंट होगा, तो आप लगभग आप समझें कि 63,000 नियर अबाउट पे आप सभी का एडमिशन जो है वो आपका हो जाएगा, किस पे, जीएस प्लस ऑप्शनल के साथ में। तो दोस्तों बहुत सुनहरा ऑफर आप सभी के लिए, जहां आप सभी यहां से जुड़ सकते हैं दोस्तों क्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो आप दोस्तों मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करें और सभी आप एडमिशन से जुड़ें, जहां पे आप 12 महीने की फ़ीस आइकॉनिक पे देख रहे हैं कि इसकी फ़ीस है 62,550 रुपीज़, वहीं आप देख रहे हैं 24 महीने में फीस है 1,07,000। तो आप देख रहे हैं फीस कितनी हो जाएगी दोस्तों 24 महीने में आपकी 10% डिस्काउंट के बाद 96,300। वहीं 36 महीने की फीस हो जाएगी 1,26,900 रुपये। तो आप सभी को इसके बारे में अनुमान और ज्ञान दोनों है दोस्तों। देखिए ऑप्शनल की जो फीस है दोस्तों आपकी 27,500 रुपये है, जहाँ 10% डिस्काउंट के साथ आप 24,750 रुपये आपकी फीस हो जाती है। तो प्लीज़ आप सभी यहाँ जुड़ें, 24 महीने की फीस मात्र 1,500 रुपये के मंथली चार्ज पे आप सभी को 36,000 रुपये देनी होती है दोस्तों, जहां आप देखें 36 महीने की फीस आपको देनी होती है 1,250 रुपये के हिसाब से, इससे 45,000 रुपये। तो दोस्तों आप सभी प्लीज़ यहां पे जुड़े और आगे बढ़े मेरे साथ। दोस्तों प्रत्येक रात 8 बजे मेरी क्लासेस होती हैं ऑप्शनल की यूट्यूब पे, ऑप्शनल चैनल पे, तो आप सभी वहां जुड़ कर देखें दोस्तों। 12 महीने की जो फीस है, मैंने आपको इसी कम्बो फीस के बारे में बताया था कि जिस तरीके से 27,500 रुपये और प्लस 49,500 रुपये, इन दोनों पे 77,000 रुपये फीस हो जाती है, ठीक है। इस पे 10% डिस्काउंट तो है ही, साथ साथ इस पे अदर 10% का डिस्काउंट कर दिया गया है, अगर कहा जाए तो लगभग 20% का डिस्काउंट आप सभी को मिल रहा है यहाँ पे। तो आप सभी इससे जुड़ सकते हैं मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देखें आपको बेहतरीन छूट, बेहतरीन फैसिलिटी मिल रही है इस समय लास्ट जनवरी में। तो दोस्तों मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करने आया हूँ एक नया टॉपिक, जो बेहतरीन टॉपिक है आप सभी के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपको बदलनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी मेरे साथ। तो दोस्तों आज का टॉपिक है आदतें, ठीक है, आदत। दोस्तों एक छोटी बात से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, आदत क्या होती है। मुझे सबसे पहले एक बात याद आती है अरस्तु की, अरिस्टोटल जो कहता है छोटी छोटी बातें, दोस्तों ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हमारी आदत हो जाती हैं, राइट, और छोटी छोटी आदतें हमारा चरित्र बन जाती हैं, और छोटे छोटे चरित्र ही एक मनुष्य का व्यक्तित्व बन जाता है। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, आप गौर करेंगे इस बात पे तो आदतें जीवन में प्रत्येक मनुष्य की पहचान होती हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या जीवन शैली है आपकी,
क्या लक्ष्य है आपके, ये सब कुछ दोस्तों आपकी आदतों पे डिपेंड करता है। दोस्तों एक बड़ी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो जो मोटिवेशन है वो आपको भूल जाता है, लेकिन आदतें हमेशा आपका साथ निभाती हैं। दोस्तों बुरी आदतें अगर समय पे ना बदली जाएं तो वो आदतें आपका समय बदल देती हैं। कितनी बड़ी बात आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर हम अपनी आदतों में धीरे धीरे परिवर्तन की बात नहीं करेंगे, परिवर्तन की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये आदतें हमारी तकदीर बदल देती हैं। इसलिए मैं आपको एक स्लोगन दे रहा हूँ, आदत हैबिट्स, आदतें बदलती हैं तभी किस्मत बदलती है। दोस्तों अगर आप अपने अंदर धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश नहीं करते हैं, अचानक सुधार हमेशा घातक हो जाता है। आप अचानक सुधार करने की कोशिश जब करते हैं तो उसका परिणाम आपको सुखद नहीं प्राप्त होता। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देती है, ये माननीय अब्दुल कलाम महोदय जी का कहना था कि हमें नहीं पता कि हमारा भविष्य कैसा है, हमारा आने वाला कल कैसा है, लेकिन अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो आप आज आपके पास जो जीने का पल है, अगर आप उसे अपनी आदतों में, जो आदतें आपको नकारात्मकता की ओर लेके जा रही हैं, असफलता की ओर लेके जा रही हैं, अगर आप उसे बदलने की कोशिश करते हैं तो उन्हीं आदतों से आपका भविष्य बदल जाएगा। तो धीरे धीरे हमें अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करनी होती है। दोस्तों ये परिवर्तन हमारे समय को परिवर्तित कर देता है और हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। दोस्तों हमारे दुख सुख में बदल जाते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और इस मानव शरीर का वास्तविक अर्थ निकल आता है। एक मनुष्य की पहचान ही उसकी आदतों से होती है। आप अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छा जीवन शैली है आपकी, आपका बहुत अत्यधिक सम्मान होता है। दोस्तों अगर ऐसी स्थिति देखी जाए तो समाज में उन्हीं व्यक्तियों का सम्मान है जो व्यक्ति अनुशासित जीवन शैली का पालन करते हैं। दोस्तों कुछ बातें अगर मैं कहूं आदतों से संबंधित, कुछ बातें मैं आपसे चर्चा कहूं करना चाहूं, तो आप देखें कैसे शुरू करेंगे हम आदतों के बदलाव की शुरुआत, आदतें हैबिट्स। दोस्तों देखिए एक जीवन है, ये महान जीवन है, समझिए प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 आवर है। एक महान व्यक्ति जो बना है वो भी अपने 24 आवर के इस्तेमाल के बाद ही बना है। एक सामान्य जीवन, सामान्य व्यक्ति और उसी संसार में एक विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, कि दोनों के बीच का अंतर क्या होता है। दोस्तों दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, देखिए इसकी दिनचर्या अनियमित होती है, अनुशासनहीन होती है, लक्ष्य विहीन होती है। और दोस्तों आप इन सब चीजों में आप देख रहे हैं सबसे बड़ा बात, चाहे अनियमित हो जाए तो भी आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। अगर आप अनुशासनहीन हैं तो कोई भी कार्य आपका समय से पूर्ण नहीं होगा। और लक्ष्यहीन अगर आप हो जाते हैं दोस्तों तो आपके जीवन में दुख एक शाश्वत सत्य की तरीके से आपके जहन में बैठ जाता है। और जो व्यक्ति लक्ष्य विहीन है वह नकारात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है, व्यक्ति हो जाता है। दोस्तों एक विशिष्ट व्यक्ति का लक्षण देखें, उसकी दिनचर्या देखें, दिनचर्या देखें, वह नियमित होगा किसी काम में, वह अनुशासित होगा, प्रत्येक दिन का उसका लक्ष्य होता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात कहा जाए तो समय के प्रति समर्पण होता है दोस्तों उसमें,
सबसे बड़ी विशेषता है समय के प्रति समर्पण का भाव होता है उसमें। हम दोष देते हैं अपने भाग्य पर, अपने भाग्य को, अपने समय को, अपने परिवार को। दोस्तों मैं मानता हूं कि जिंदगी का सबसे बड़ी समस्या, जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या कि सफल हुए तो मेरी मेहनत, सफल हुए तो मेरी मेहनत, और अगर असफल हो गए, असफलता हाथ लगी तो बहुत से कारण। कभी हम भाग्य को दोष देते हैं, कभी हम समय को दोष देते हैं, कभी हम परिवार को दोष देते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अगर इनमें कॉमन चीजें देखी जाए तो सबसे बेहतर जो सुझाव रहेगा मेरा आपके लिए वो एक ही सुझाव है कि दोस्तों कहीं ना कहीं हम अपने जिंदगी में समय के अनुसार अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं लाते हैं, आदतें नहीं बदलते हैं। दोस्तों हम एक जीवन शैली से प्रत्येक जगह लड़ाई लड़ना चाहते हैं जो नहीं हो सकता। जो समय काल परिस्थितियां आज के 10 वर्ष पूर्व थीं, क्या वो आज हैं? नहीं। तो क्या वैसे हथियार आज प्रयोग किए जाएंगे जो पहले किए जाते थे? क्या वही जीवन शैली हमें अपनाए रहने की जरूरत है जो पहले हम जीवन व्यतीत करते थे? तो दोस्तों ये आदतों में परिवर्तन नहीं आएगा तो दुख बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी कार्य करने की शक्ति कम हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने अंदर सुधार लाएगा, अपनी आदतों में परिवर्तन लाएगा, उसके सुख की क्षमता बढ़ती जाती। तो आपको गौर करना होगा इन बातों को। आदतें हमेशा एक छोटी सी शुरुआत होती हैं, एक छोटी सी शुरुआत होती हैं। हो सकता है कि कोई आदत 1 मिनट की हो लेकिन वो आपको बहुत सुकून देती हो। कोई आदत ऐसी हो जो दिन भर में 10 मिनट अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। तो आदतें वो मिनटों में भी सुधर सकती हैं और 10 मिनटों में भी सुधर सकती हैं। और अगर दोस्तों ये लगातार हो जाती हैं, आदतों में परिवर्तन कैसे आता है, अब हम अगले चरण में उस पर बात करेंगे दोस्तों हैबिट्स। हेल्थ, एटीट्यूड, बेस्ट इनिशिएटिव इन योर टारगेट। अगर हैबिट्स की बात कहा जाए तो अपने स्वास्थ्य को, अपने अभिरुचि को बेहतर बनाते हुए अपने आदत में इसे शुमार करना ही क्या होता है, हैबिट्स की सही डेफिनेशन होती है। हमेशा याद रखो आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो। हमेशा याद रखो दोस्तों आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो। बदलोगे कैसे अपनी प्रॉब्लम्स? आपके पास लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपको लगता है कि जिंदगी में सारे दुख और संघर्ष मेरे ही जीवन में क्यों आ जाते हैं? दोस्तों इसका चुनाव भी प्रकृति करती है कि किसके अंदर कितनी क्षमता है। क्षमतावान व्यक्ति ही इस जीवन में रचनात्मक कार्य करता है। जब कभी भी कोई भी विशेष परिस्थिति आपके ऊपर आती है तो वहां आप कोई ना कोई जो निर्णय लेते हैं वह निर्णय रचनात्मक तभी होता है जब आपकी आदतें, आपके विचार, आपकी कार्यशैली, आपकी जीवन शैली में निरंतरता देखी जाती है। एक बेहतर सकारात्मक सुझाव, एक बेहतर सकारात्मक जीवन शैली देखी जाती है, तब जाकर के आप ऐसा कर सकते हैं। अन्यथा छोटी छोटी समस्याओं से संसार में दुखी रहने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। लेकिन क्या आप, मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है, वहां बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, उनकी बहुत सारी शिकायतें होती हैं।
मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा किया वैसा किया, ठीक है। इस कंपनी का जो बॉस होता है, बॉस वो किससे शिकायत करे, वो किससे शिकायत करे अपने जीवन शैली, अपने कार्य, अपनी आदतों, अपनी विचारों की का डिस्कशन किसके साथ करे। वो जान लेता है कि संसार चुनौतियों भरा है, यह संसार दुख व्यक्त करने का नहीं है, यह संसार एक युद्ध की भांति है। यहां जब भी कभी कोई एक क्षेत्र जीत लिया जाता है तो शासक ऐसा नहीं होता कि वह अब निश्चिंत हो जाता है कि मेरा साम्राज्य पूरी तरीके से सुरक्षित है। इनोवेशंस हो रहे हैं, नवीनताएं आ रही हैं, और वह कंपटीशन कभी समाप्त नहीं होने वाला। ऐसी नवीनताओं के दौर में आप जी रहे हैं, एक ऐसी दौड़ में जी रहे हैं आप, जहां यदि आप में रचनात्मकताएं नहीं होंगी, यदि आप में व्यक्तित्व तो नहीं होगा, यदि आप में बेहतर आदतें नहीं होंगी, तो फिर आपका जीवन कभी भी प्रसन्नचित नहीं रह सकता। अगर आप सभी को प्रसन्नचित रहना है, खुश रहना है अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, तो सबसे पहला आयाम आप सभी को अपनी आदतों में सुधार करके करना होगा। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि आदतों में सुधार कैसे करें। आदतों में सुधार कैसे करें दोस्तों, पहले कदम, एक शब्द है दिनचर्या। इससे देखिए समय सारणी बनाए अपनी, आपके पास एक समय सारणी होनी चाहिए। समय सारणी कैसी, योजनागत होनी चाहिए। योजनाएं कैसे बनाए, योजना बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, जब दिन का प्रारंभ होता है, जब दिन का प्रारंभ होता है, यदि तब आप योजना बनाते हैं, योजना यदि बनाते हैं तो फिर आप संघर्ष कर जाएंगे, संघर्ष कर जाएंगे। लेकिन जब दिन का अंत होता है तो वह एक संदेश होता है अगले दिन के प्रारंभ का। दोस्तों अगले दिन का प्रारंभ का अर्थात अगले दिन के प्रारंभ होने से पूर्व योजना बनाई जाती है, न कि योजना कार्य समय में बनाई जाए। ध्यान रखिएगा, योजना उसे नहीं कहते हैं, उसे इमीडिएट कॉज कहते हैं, इमीडिएट कारण कहते हैं, तत्कालिक परिस्थितियों में लिया गया निर्णय कहते हैं। जैसे आप घर से निकलते हैं, आप अपने घर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आप चलते हैं, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो कभी आप यहाँ भी मुड़ सकते हैं, कभी आप यहाँ भी मुड़ सकते हैं, कभी आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, कभी इस रास्ते से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने घर से निकलने के बाद योजना बनाई है कि मेरा लक्ष्य ये है, मेरी ऑफिस ये है, तो दोस्तों ये सीधा रास्ता पकड़ करके आप न्यूनतम समय में आ सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का कोई रास्ता ही नहीं हो, वह व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है और कुछ भी पा करके उसे अपना लक्ष्य घोषित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है, उपलब्धियाँ शून्य हो जाती है, जीवन समाप्त होता है, उपलब्धियाँ शून्य होती हैं। दोस्तों आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। तो हर दिन की एक कार्य प्रणाली होनी चाहिए, एक योजनागत कार्य होना चाहिए। रात को सोने से पहले दिन में कार्य की पूरी सूची आपके पास होनी चाहिए। एक बेहतर परिणाम देंगे आप दोस्तों। सबसे बड़ी बात, हर दिन अपनी चुनौतियों को याद रखें। छात्र अपने पाठ्यक्रम को, परीक्षा के दिन को, व्यवसायी अपने कार्य पद्धति को और
अपने लक्ष्य को टारगेट तथा सामान्य व्यक्ति जो सामान्य कार्य प्रणाली में व्यक्ति है वह अपनी नियमित व्यायाम व्यायाम एक तरीके से हम कर सकते हैं हमारी कार्यशैली को दर्शाता है। तो दोस्तों आदतों में सुधार करने के लिए और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं आदतें प्रतिदिन सुधारने की विषय वस्तु है। प्रतिदिन अगर मैं कहूं आदतों में सुधार की जो आवश्यकता है वह प्रतिदिन की है। प्रतिदिन सुधार की आवश्यकता होती है। जैसे आज आपको कोई गलती लगती है उसे आप 1% मान लें और उसे सुधारने की कोशिश करें। दोस्तों ये प्रतिशत धीरे धीरे महीने में 1% पूर्ण हो जाएगा। जब आप 30 दिन इसे कंटिन्यू कर लेंगे तो ये चीजें वो विषय वस्तु आपकी आदत बन जाएगी और ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में 1 साल के अंतर्गत आपको 37% सुधार देंगे। 37% आप में सुधार आ जाएगा। दोस्तों एक व्यक्ति के अंतर्गत यदि वर्ष भर के अंदर 37% का सुधार आता है तो आप जीवन में समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति कितना महान हो सकता है। जो खुशी तुम्हें कल दुख देने वाली है उसे आज ही त्याग दो। मैंने आपसे कहा जो कार्य आपको बेहतर ना लगे उसका त्याग करना ही आपका सबसे प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों भले ही वो वस्तु कितनी ही कीमती क्यों ना हो कितनी ही प्रिय क्यों ना हो उसे त्याग देना चाहिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक डायबिटीज का पेशेंट है, ठीक है, उसे मिठाई खाना बहुत प्रिय लगता है, ठीक है, उसका शुगर लेवल 400+ है, जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप समझिए दोस्तों मेरे लिए मिठाई बहुत ही प्रिय वस्तु मानी जाती थी, लेकिन क्या मैं इसे अब उस क्षमता से इसका उपयोग कर सकता हूँ? उपयोग करने के बाद कोई बुराई नहीं है लेकिन शरीर नष्ट हो जाएगा, आपकी क्षमताएं समाप्त हो जाएंगी। तो कोई वस्तु कितनी भी प्रिय क्यों ना हो लेकिन अगर आपके स्वास्थ्य के लिए आपके जीवन शैली के लिए वह वस्तु अच्छी नहीं रह जाती तो उसका त्याग करना ही आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। दोस्तों जो आदतें स्वयं के लिए और दूसरों के लिए हानिकारक हों उन्हें छोड़ने में क्षण मात्र की भी देर नहीं करनी चाहिए। देरी से संकल्प डगमगा जाता है। दोस्तों कुछ लोग होते हैं धूम्रपान करते हैं। सबसे पहली बात इससे स्वयं का नुकसान होता है, दूसरी बात आपके साथ रहने वाले आपके मित्र और परिवार को नुकसान होता है। जब इसका प्रतीक परिणाम नुकसान है तो फिर इससे मोह कैसा? इससे मोह क्यों? क्या आप अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं? क्या आप अपने मित्र से प्रेम नहीं करते हैं? क्या आप अपने परिवार से प्रेम नहीं करते हैं? तो जिन्हें आप प्रिय मानते हैं आप उनके लिए विष का कार्य क्यों कर रहे हैं? दोस्तों यही है आदतें। बदलना है तो खुद में बदलाव चाहिए। तो आप सभी को धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों अब हम ये देखें कि जो आदतें हैं वो स्थायी कैसे हो जाती हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई चीज हमें अच्छी लगती है लेकिन हम सबसे पहले किससे डर जाते हैं? प्रारंभ करने से। हमें डर कैसे लगता है? या हम नहीं कर पाते हैं तो क्या? प्रारंभ।
तो ध्यान रखिएगा, जब अच्छी आदतें हों तो इसे बिना समय देखे प्रारंभ करना चाहिए। जैसे आपको लगता है सुबह एक्सरसाइज करना बेहतर होता है, सुबह एक्सरसाइज करना बेहतर होता है, अगर सुबह एक्सरसाइज करना बेहतर होता है और आपको लगता है कि इससे आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं और यह चिंतन आपके दिमाग में शाम को आ रहा है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा प्रयोग करके देख लिया जाए। आप जाएं, कुछ व्यायाम करें और व्यायाम करके परिणाम देखें कि आपको क्या प्राप्त हो रहा है, सुख या दुख। तो दोस्तों वास्तविकता में इससे सुख ही प्राप्त होगा, जब आपको सुख प्राप्त होगा तो लगाव पैदा होता है, लगाव अट्रैक्शन आकर्षण, और ये लगाव कहीं ना कहीं आपके विचार पे स्थायी स्वरूप बनाता है, स्थायी चिंतन बनाता है, और यह स्थायी चिंतन आपको प्रेरित करता है, और यही प्रेरणा आपको परिणाम तक ले जाती है दोस्तों, और फिर ये परिणाम आपकी आदतों में शुमार हो जाता है दोस्तों, और आदतें आपके जीवन को पुनः सुखमय बना देती हैं। कोई भी चीज, तो जब आपको लगने लगे, जैसे सड़क पे जाते समय, मान लीजिए सड़क पे जाते समय आपको लगता है कि आप नियमित हैं धूम्रपान करने के, आप नियमित हैं सड़क की तली भुनी चीजें खाने के, आप नियमित हैं शराब पीने के, आप नियमित हैं कहीं कुसंगति में बैठने के, आप नियमित हैं अपने मोबाइल फोन के इस्तेमाल से, ये चीजें नकारात्मक हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 ये चीजें हमने आपको बताई, एज एग्जाम्पल मैंने बताई। आप कहते हैं कि मैं इसे कल से शुरू करूंगा। दोस्तों कल कभी नहीं आता, लेकिन पल हमेशा आता है, पल, राइट। अब ध्यान रखिएगा, एक बड़ा अंतर हो जाता है कल और पल में। तो दोस्तों इस पल में अगर आपने ये सोचने की कोशिश की, आपने तय किया कि मुझे अभी तुरंत ये संकल्प लेना है कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, वरना मैं जीवन का सबसे बुरा व्यक्ति हूं, क्योंकि हर व्यक्ति संसार का सबसे बेहतरीन व्यक्ति होता है। अगर आप अपने बारे में अपनी आलोचना, स्वयं से अपने कार्यों की आलोचना करने लगते हैं, तो आप में सुधार की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि आप जब स्वयं से अपनी आलोचना करते हैं तो आप अपनी अंतरात्मा का साथ देते हैं, इनर सोल के साथ हो जाते हैं आप दोस्तों। तो सुधार आप में क्या हो जाता है, रचनात्मकता ला देता है, आप में स्थायित्व ला देता है, और आपका जीवन कहीं ना कहीं बदलने लगता है। काल करे सो, आपने वो दोहा सुना होगा, जो हमें कल करना है वो आज हमें करना है, तुरंत करना है, इमीडिएट करना है, आज से सुधार करना है। आपको लगता है कि आज आपने ये चीजें कर ली है, तो आपने मन में एक संकल्प शक्ति के समय उसी समय दोहराना शुरू कर दीजिए कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। जब आप वही चीजें दोबारा करने जाते हैं, तो आपके अंतरात्मा आपसे कहती है कि तुमने तो अपने आप से वादा किया था, क्यों तुम यहाँ चले आए, तुमने ऐसा क्यों फिर दोबारा किया, क्या तुम अपना साथ नहीं देना चाहते, क्या तुम खुद को नियंत्रित नहीं करना चाहते हो। बार बार ये आवाज जब आपसे आपके जहन में उठने लगती है, आपके अंतरात्मा में उठने लगती है, आपके अंतर व्यक्तिक कौशल में यह बात स्थायी होने लगती है, तो आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है, आपकी आदतें सुधरने लगती है। मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट कीप यू गोइंग। कितनी बड़ी लाइनें हैं, मैंने आपसे कहा था मोटिवेशन जिंदगी में बदलता रहता है दोस्तों। भूल जाएंगे आप मोटिवेशन के बारे में, अभी मैंने क्या आपको मोटिवेट किया, और आप उसे भूल सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप पूरी तरीके से अपनी आदतों में किसी मोटिवेशन को स्वीकार कर चुके होते हैं, तो फिर आप उसे इतनी आसानी से नहीं भूल सकते, आदतें इतनी आसानी से नहीं छुड़ाई जाती हैं। एक व्यक्ति कहता है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो,
तो मुस्कुरा के एक जवाब आता है, मुझे पता नहीं लेकिन मोहब्बत से बढ़कर के तुम मेरी आदत हो। हो सकता है किसी से प्रेम किसी के आकर्षण बस हो, लेकिन अगर किसी चीज की आदत लग जाए तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम उसे क्यों करते हैं। बिना परिणाम की परवाह किए हुए हम उसके उसे उसके साथ नियमित रहते हैं, निरंतर रहते हैं। तो मोहब्बत एक मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन आदत एक स्थायित्व है। ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। आपने जिंदगी को चेंज खुद ही कर सकते हैं, कोई आपकी जिंदगी को बदल नहीं सकता। चेंज योर लाइफ टूडे, डोंट गैम्बल्स ऑन द फ्यूचर, एक्ट नाउ विदाउट डिले। अगर आपको जिंदगी में अपनी जिंदगी के बेहतरीन खूबसूरत दौर से अपनी जिंदगी को ले जाने की ख्वाहिश है, तो अपनी जिंदगी से जुआ खेलना बंद करिए दोस्तों, और बिना डिले किए हुए आप उसे आज से ही शुरू करने की कोशिश करिए। जिंदगी में आज हमेशा आता है, कल कभी नहीं आता। जो करना है आज से करना है, जो आज किया होगा वो कल अपने आप बेहतर होता चला जाएगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता, बेहतर हर दिन हो सकता है। दोस्तों हैबिट योर माइंड दोस्तों, आपके दिमाग में एक विचार होता है, वो विचार दो स्तर के होते हैं, एक चेतन होता है एक अवचेतन होता है। मस्तिष्क दो प्रकार से गतिशील होता है, एक चेतन मस्तिष्क होता है एक अवचेतन मस्तिष्क होता है। दोस्तों जो चेतन मस्तिष्क होता है उसमें हम तत्काल कार्य की सूची तय करते हैं, लेकिन अवचेतन मन के अंतर्गत पुरानी नई और भविष्य की बातों की संकल्पनाएं होती हैं। मान लीजिए कोई घटना आपके जीवन में हो चुकी है, आप उसे भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे एक स्पॉट की तरीके से आपको बनी हुई है। जैसे ही आप थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं वो घटना आपको याद आने लगती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या पुण्य है क्या पाप है, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, कि बीच का भेद हमें हमारे दिमाग के हमारे अनुशासित दिमाग से ही हमें उसका मैसेज आता है। लेकिन हमें लगता है कि हम जो अभी तत्कालीन परिस्थितियों में हम जो सोच रहे हैं, जो विचार हमारे दिमाग में आ रहा है, वो सबसे उत्तम होता है। दोस्तों कभी भी कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले आप जरूर अपने अवचेतन मन के शक्तियों से आप रूबरू हों, आप पहचाने कि क्या आपका मन पूरी तरीके से इस बात को करने की गवाही देता है। दोस्तों संसार में प्रत्येक व्यक्ति पुण्य आत्मा है, प्रत्येक व्यक्ति एक पुण्य आत्मा है, वह उसके अंदर पाप की संकल्पना नहीं होती है। लेकिन जब वह व्यक्ति अपने अवचेतन मन को अस्वीकार कर देता है, और तत्कालीन परिस्थितियों में वह व्यक्ति निर्णय ले लेता है, तो यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक क्षण वह निर्णय सही हो। इसलिए आदमी कहता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अवचेतन मन की शक्तियां आपको हमेशा सही दिशा देती हैं, कभी भी आपको गलत दिशा नहीं देंगी, क्योंकि यह आपके आत्मा का स्वरूप होता है। अगर हम सगुण धर्म को मानने वाले लोग हैं, आत्मा को मैं ऊर्जा भी मानता हूं, तो ऊर्जा प्रत्येक क्षण सकारात्मक होती है, आप इसे नकारात्मक दिशा देते हैं, ऊर्जा कभी नकारात्मक होती नहीं है। तो हैबिट्स योर माइंड डिपेंड ऑन योर थॉट्स, आपके विचारों पे निर्भर करता है आपके दिमाग की आदतें।
कैसी होगी। तो आदतों को बदलना है तो सबसे पहले विचारों को बदलना होगा। विचारों को बदलना है तो सबसे पहले हमें तत्कालीन लिए गए निर्णय को सोच समझ करके अपने अवचेतन मन की शक्ति से उसका सुझाव लेना होगा कि हमारी अंतरात्मा हमें क्या कहती है। आप एथिक्स में अंतरात्मा भी पढ़ते हैं, इनर कॉन्सेंस, इनर सोल्स भी पढ़ते हैं, अंतरात्मा का सिद्धांत। कभी भी किसी व्यक्ति की अंतरात्मा किसी भी बात को गलत संदेश नहीं दे सकती। हमने बचपन से सुनी है अपनी आत्मा की आवाज सुनो। आत्मा की आवाज इस बात का परिणाम देती है कि आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तत्कालिक लिया हुआ निर्णय सही हो सकता है, लेकिन जब आपकी अंतरात्मा के साथ मेल खा जाए तो दोस्तों, आप सभी को अगर बदलना है तो वाह स्वरूप को नहीं बल्कि आंतरिक स्वरूप को बदलने की कोशिश कीजिए। व्यक्ति का काया क्लेश तो कभी भी नष्ट हो सकता है दोस्तों, लेकिन व्यक्ति के विचार कभी नष्ट नहीं होते। गांधी जी ने भी कहा था 1926 में कि एक मनुष्य के नाते मुझसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन मेरे विचार कभी भी गलत नहीं होते हैं। 1931 में यही बात कहा था गांधी। एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है, तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व व्यक्ति के स्वरूप में नहीं बल्कि एक विचारधारा में जीवित रहता है। तो अपने विचारधारा को बड़ा बनाइए, न कि अपने व्यक्तित्व को, न कि अपने व्यक्ति को, अपने आभूषण को, अपने श्रृंगार को, अपने स्वरूप को जिंदा रखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपके निर्णय आपकी आदतें होती हैं, तो अपनी आदतों का परिवर्तन यह आपके हाथों में है। आपके विचार शक्ति की दोस्तों, लगातार मिल रही असफलताओं से हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। दोस्तों, आप लगे होते हैं अपने आप को भाग्य दुर्भाग्य नियति भविष्य, ठीक है, जैसे शब्दों से आप अपने आप को जोड़ करके रखते हैं। मैं कहता हूं कर्म सिद्धांत अटल निश्चय, संकल्प समर्पण गीत दिखी, ये शब्दों का अर्थ आप समझिए। अगर आप कर्मशील हैं, सिद्धांतवादी हैं, अटल निश्चय लेने वाले हैं, संकल्पबद्ध हैं और समर्पित हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को जो पाना चाहता है उससे बड़ा मिल जाता है। जब आप बड़े के लिए बने हैं तो छोटों के लिए फिर छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी असफलताओं से हारना और रोना क्यों। आज जिस प्रकाश में आप सायंकालीन को जीते हैं, उस एडिशन ने बल्ब बनाने के लिए 1200 प्रयोग किए और असफल रहा, लेकिन उसके दिमाग में अब उसका उद्देश्य बना रहा। उसके असफलताएं उसके लिए हार नहीं बल्कि हुनर होती चली गई। जो व्यक्ति अपने जीवन में असफलताओं अर्थात हार का सामना करता है, उसके गले का हार जो होता है दोस्तों, उपहार हो जाता है। अर्थात आपके लिए आपकी हार ही आपकी प्रेरणा बन जाती है दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति हारता नहीं है वह व्यक्ति सीखता भी तो नहीं है। जो व्यक्ति असफलताओं का स्वाद नहीं चखता है उसे बड़ी बड़ी सफलताएं भी तो प्राप्त नहीं होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति बिना अभ्यास के बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर चढ़ जाए। तो अभ्यास एक असफलता हो सकती है, लेकिन परिणाम सदैव सफलता होती है दोस्तों। निरंतरता और आदतें आपको हमेशा एक बेहतर व्यक्तित्व के साथ परिभाषित करती हैं। आदतों को सुधारने के अलावा आपको कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप अपनी आदतें बेहतर कर लेते हैं, आप अपनी आदतों की संकल्पनाएं बेहतर कर लेते हैं, तो आपके सुधार की संकल्पनाएं एक विस्तृत परिणाम ले लेती हैं, एक विस्तृत बदलाव लेती हैं दोस्तों। मैं आप सभी से इस बात का निवेदन करता हूं कि अपने ज़िंदगी में अगर कुछ भी बदलाव लाने की कोशिश करना है तो अपनी आदतें बदलें। आदतें बदलें, आपका भविष्य बदल जाएगा दोस्तों। द सेवेंथ हेल्थ हैबिट्स,
ईट न्यूट्रिशंस, ब्रेक, मूव योर बॉडीज, पैक योर लंच, थिंक योर टाइम एंड यू थिंक हैव फन। अपनी जिंदगी में आप अगर इन सात सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में एक बड़े बदलाव आ सकते हैं। अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक आप प्रकृति के सामंजस्य के साथ जीवन जीने की आदत नहीं रखेंगे तब तक प्रकृति से प्रतिकूल होकर के कोई व्यक्ति अपने जीवन के साथ अनुकूल नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? प्रकृति के अनुरूप स्वयं में परिवर्तन लाना है। दोस्तों, जैसे कीप सेट वर्क आवर्स, आपने टाइम को डिसाइड करें। हैव अ डेडिकेटेड वर्क प्लेस, आपने समय कार्य पद्धति को डिसाइड करें। कीप कॉन्स्टेंट बेड एंड वेक अप टाइम, अपने सोने और जागने का समय निश्चित करें। कीप योर लंच ब्रेक वर्क फ्री, अपने कार्य पद्धति में अपने भोजन खान पान जीवन शैली को व्यवस्थित करें। अनविंड विदाउट स्क्रीन, आप अपने लेखन शैली में अगर अपने जीवन में बहुत सुधार चाहते हैं तो कम से कम आपको एक बेहतरीन पुस्तक प्रेमी होना पड़ेगा। आप मेक टाइम गेट एक्टिव, आप अपनी जिंदगी में बहुत ही सक्रिय रहना चाहते हैं तो आपको व्यायाम से जुड़ना पड़ेगा। दोस्तों, टेक ब्रेक्स, थॉट आउट ऑफ द डे, आप अपनी जिंदगी में कुछ एक काम ऐसा बेहतर करें जिससे आप अपनी जिंदगी को स्वयं बता सके कि आज आपने कुछ बेहतर कार्य किया है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ करना है तो हर दिन अपना स्वयं के प्रति एक लक्ष्य पूरा करना पड़ेगा आपको। तो आपको सुधार की संभावना है हर दिन 1% करनी है, न कि हर एक दिन में 100% सुधार की संभावना के साथ आप अपने जीवन में क्या हो सकते हैं? हतोत्साहित हो सकते हैं, डिमोटिवेट हो सकते हैं। दोस्तों, तो आई कैन डू इट में अगर आप कैन नॉट काट देते हैं, नॉट काट देते हैं तो आई कैन डू इट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप हर काम में ये सोचते हैं कि यह काम मैं नहीं कर सकता हूं, तो यह सोच के देखिए कि यह काम मैं कर सकता हूं। आपके प्रयास शुरू हो जाएंगे। प्रयास शुरू करने की आवश्यकता होती है। आप परिणाम का स्वप्न देखते हैं, वह तभी पूरा होगा जब आपका प्रयास सही दिशा में जाएगा। तो दोस्तों, आई कैन डू इट, अगर आप हमेशा हर प्रातः अपने आप को यह बताते हैं कि मैं वो काम कर सकता हूँ जिसके लिए मैं बना हूँ, तो डेफिनेटली आप जिसके लिए बने हैं वो काम आप कर सकते हैं। तो ब्रेकिंग बैड हैबिट, आप अपनी बुरी आदतों को तोड़ें। जितनी जल्दी से अपने बुरी आदतों को आप छोड़ेंगे, जो आदतें आपको बेहतर नहीं लगती हैं, जो आपकी आदतें आपके जीवन शैली को प्रभावित करती हैं, जो आदतें आपकी कार्यशैली को प्रभावित करती हैं, जो आदतें आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, जो आदतें आपके चरित्र को प्रभावित करती हैं, जो आदतें आपके सफलता को प्रभावित करती हैं, जो आदतें आपके जीवन शैली में एक महान व्यक्तित्व के बनने को प्रभावित करती हैं, उन्हें आज से ही छोड़ना होगा। उन्हें अभी तत्काल परिस्थितियों से उन्हें उनसे विमुख होना पड़ेगा। वह वस्तु कितनी प्रिय क्यों न हो, जैसा मैंने आपसे बताया, एक डायबिटीज का पेशेंट मिठाई को छोड़ देता है, भले वह कारण उसे वही होता है, लेकिन आप उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने जीवन से प्रेम होता है। अगर आपको अपने जीवन, अपने परिवार, अपने मित्र से प्रेम है, तो आप अपनी बुराइयों को छोड़ना आपके लिए बेहतर ही होगा। ठीक है, तो आप सभी इन चीज़ों को जरूर छोड़ेंगे। दोस्तों, हैबिट्स आप सुबह से लेकर के नियमित अपने जीवन शैली में चल रहे प्रत्येक गतिविधियों में अपनी आदतों को ही पाते हैं। जो जैसा सोचता है वो वैसा हो जाता है। ऐसा मैं नहीं बल्कि महान फिलोसफर डेकार्ते कहता है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ।
एक व्यक्ति अपनी विचारधारा से ही जीवित होता है। अगर वह अपने बारे में सोचना बंद कर दे तो व्यक्ति संसार में कब विलीन हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों आप अपना कम्युनिकेशन एक व्यक्ति से रोक दीजिए, उस व्यक्ति के लिए आप जीवित हैं या मृत हो गए हैं उसका कोई भी अंदाजा उस व्यक्ति को नहीं होता। हो सकता है उस व्यक्ति को यह पता चले कि एक वर्ष पहले आपका देहांत हो चुका है या एक वर्ष पहले आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, क्योंकि वह कम्युनिकेशन में नहीं था। तो इस जिंदगी की दौड़ में आप अपना ध्यान रखें, अपनी आदतें सुधार करके अपने जीवन शैली में अपने से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्तियों का ध्यान रखें। अपनी नियमितता, आप छोटी छोटी आदतें अगर आप एक समय से करते हैं तो आपका अगले दिन का समय सुरक्षित हो जाता है। दोस्तों आपका जीवन सुरक्षित हो जाता है, आप हर दिन बेहतर परिणाम देने की स्थिति में होते हैं। जब आपकी आदतें हर दिन की नियमित नहीं होती हैं तो फिर आपके जीवन का व्यक्तित्व उसी भांति प्रभावित हो जाता है और आपका परिणाम भी प्रभावित हो जाता है। फिर आप दोष देते हैं किसी और को, अपनी किस्मत को, अपने भविष्य, अपने परिवार को। अवसर मिला है इस खुली चुनौती में, इस खुले ब्रह्मांड में आपको सब कुछ पाने का, आपको एक विजेता बनने का, आप उसका सुनहरा अवसर न छोड़ें। बदलें अपनी आदतों को और जीते बेहतरीन अचीवमेंट को। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो द हैबिट्स फॉर्मेशन लूप्स, अगर हम देखें इसके तीन तरीके हैं दोस्तों। रिमाइंड द क्यू दैट टाइगर्स द हैबिट, सेकेंड रूटीन, एंड थर्ड रिवार्ड। अगर आप इन तीन चीजों को, ट्रिपल आर को अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। रिमाइंड करिए अपने आप को कि आपको क्या करना है, हर दिन आपको क्या करना चाहिए। चेक करिए अपने रूटीन को कि आपने किया या नहीं, देखिए कि आपने क्या पाया, रिवार्ड आपने क्या पाया और क्या खोया। अगर चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी आपके लाइफ में नहीं होगी तो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। हर दिन जीने वाला, हर दिन जीवन जीने के लिए प्रयास करने वाला तो पशु होता है, मनुष्य तो पूरी योजना से होता है। जो एक लंबे समय काल को बिना दुख से व्यतीत कर सकता है अगर उसकी योजनाएं सही हैं, जो व्यक्ति आज के बारे में सोचता है वो व्यक्ति कल को बेहतर बना सकता है, लेकिन जो व्यक्ति कल के बारे में सोचता है उसका आज भी नष्ट हो सकता है। तो आज के बारे में सोचे न कि कल के बारे में। तो थिंक पॉजिटिव, थिंक विथ नेचर, डोंट थिंक अबाउट निगेटिव। तो पॉजिटिव इफेक्ट से आप सकारात्मक बने रहेंगे दोस्तों, आपके अंदर हैप्पीनेस बनी रहेगी। अगर आप निगेटिव थॉट में जाएंगे तो आपके अंदर स्ट्रेस आ जाएगा, आपके अंदर परेशानियां व्याप्त हो जाएंगी और आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों तो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया कि जीवन में कैसे बदलें अपनी आदतें। आदतें बदलेगी तभी भविष्य बदलेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपके साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी। आप सभी लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होगी अगले किसी विशेष टॉपिक पे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।